हेलो दोस्तों, मैं किशन सारी मान आप सबको स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ पिंडरा क्या बोलते हैं कलकत्ता मूर्ति कला के भंडार में, जो कि यहाँ पे लगातार 28 वर्ष से यहाँ पे जो अपना है कार्य है उसको संभालते हैं, और बहुत ही ज़्यादा शानदार जो मूर्ति है वो चीज़ भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ 2-4 साल से, क्योंकि मैं यहीं पे अभी काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से, और घूमते रहता हूँ ना, तो जितने जो है जगह घूमता हूँ ना भाई उतना जगह ब्लॉग शूट करता ही हूँ, और वो चीज़ आपको देखने को मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। और ये देखिए भाई, क्या गजब की मूर्तियाँ तैयार की जा रही है यहाँ पे। और ये देखिए आप, छोटे छोटे जो मूर्ति हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आप वाजिब रेट है, आप यहाँ पे आइए और देखिए और पसंद करिए, है ना। पसंद करने के बाद इसको आप ले जा सकते हैं अपने घर में। और ये चीज़ जो सारी मूर्तियाँ जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये 7 सितंबर के पहले तक सारी की सारी बिक जाती है भाई। तो आप यहाँ पे जितना जल्दी आएंगे ना, उतना यहाँ पे आप जल्दी अच्छी अच्छी जो मूर्ति हैं वो चीज़ सेलेक्टेड जो मूर्ति हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी क्या ही बात किया जाए यार यहाँ का। तो आप देखिए कितनी बड़ी मूर्तियाँ वो चीज़ बनाई गई है। यह है गणपति बप्पा जी का, जो कि भाई तैयार होने के बाद क्या लाजवाब लगने वाला है आप तो देख ही सकते हैं। ये देखिए, और लगातार यहाँ से देख रहा हूँ मैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाई 11 से 12 मूर्तियाँ इस लाइन पे लगी हुई है। और हर एक मूर्ति का जो है साइज़ अलग अलग है, अलग अलग प्राइस के हैं। तो और कुछ सारे बुक हो चुके हैं, कुछ बची हुई है। तो आप जितना जल्दी यहाँ पे आते हैं ना, उतने जल्दी आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ हैं वो अपने गाँव ले जा सकते हैं। और भाई क्वालिटी तो क्या ही ज़्यादा लाजवाब होता है। इसके पीछे भी कई सारी मूर्तियाँ तैयार की गई है, जो कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये सारी मूर्तियाँ देखिए, ये तो भाई ऐसी मूर्तियाँ आपको सीधे पेंड्रा में ही देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ का जो नंबर है वो मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो भी चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। बताइए। मैं देवेंद्र पाल हूँ, कलकत्ता से आया हूँ। मेरा यहाँ पेंड्रा में हो गया 28 साल। 28 साल हो गया मैं मूर्ति बनाता हूँ। यहाँ पहले नया बस स्टैंड में बनाता रहा, अभी 3 साल से यहाँ बना रहा। तो जैसे मूर्ति बनता है ऐसे बनाते, फ़ोटो लेके भी मान लीजिए फोटो से, फोटो का आधार से भी बनाते हैं। हाँ, जैसे फोटो दोगे वैसे हूबहू बना देते हैं, लेकिन 2 महीना पहले आधार देना पड़ेगा। अच्छा, तुरंत देना होगा, क्या ना वो कच्चा रहेगा, फिर वो वैसे बन नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये सारी जो मूर्तियाँ रेडी किए हैं आप, ये पूरा ऑर्डर पे है क्या? आप ये तो पहले हम रेडीमेड बनाए रहे, अब ऑर्डर हो गया, कुछ खाली है। अच्छा अच्छा, तो कितनी मूर्तियाँ आपके पास अभी खाली है? अभी 2-3 मूर्ति, बड़े मूर्ति खाली है। अच्छा अच्छा, तो अगर जी आप कलकत्ता से यहाँ बनाने के लिए आए हैं बेसिकली, तो आपने कितने साल से यहाँ पे बना रहे हैं? मेरा 28 साल हो गया पेंडर। 28 साल में लगातार, जितना साल तो मैं पैदा नहीं हुआ उतने साल का हो गया, मतलब कब से बना रहे हैं आप, है ना। चलिए ठीक है, आपको कितने मतलब कितने ऊंचाई तक की मूर्ति आपके पास मिल जाती है? गणेश जी मैं रेडीमेड जैसे बनाता हूँ 8-9 फीट, है ना, 10 फीट तक। अच्छा अच्छा, जैसे आधार में उससे बड़ा बड़ा भी बनवा सकते हैं। और किस रेट तक की बन जाती है आपके यहाँ? जैसे बनवाना जैसे से? अपना यहाँ आधार में जैसे फोटो रहेगा उस हिसाब से आधार से बनेगा। अच्छा। साइज का हिसाब से, फोटो हिसाब से, जैसे रेडीमेड मान लीजिए अपना पास पायरा वाला मूर्ति जो गणेश जी का 3500 से 25000 तक की। वाह, मतलब बहुत अच्छी है। एक जो प्लास्टर और पेरिस का एक तो बनाते हैं मूर्तियाँ? नहीं, प्लास्टर पेरिस का काम हम लोगों से बनता नहीं। अच्छा, हम लोगों का मिट्टी का काम। अच्छा, तो ये कई सारे जो मैं दूसरे जगह भी देखा हूँ, ढांचा वाचा वगैरह भी बनाते हैं, तो वो चीज क्या चीज है? सांचा वाला मूर्ति मिट्टी का बनता है, वो भी आप लोग मिट्टी के ही बनाते हैं? हाँ, वो तो रखा है उधर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भाई, आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ वो चीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कहाँ जाए तो यहाँ पे अच्छा अच्छा वाला, है ना। तो ये जो है ये सांचा वाला मूर्ति है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा वाजिब रेट पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ की एक ऑनर है, उनका नाम है देवेंद्र पाल जी, जो लगातार 28 वर्ष से हमारे जो GPM जिला के पेंड्रा है वहाँ पे अपना कार्य जो है संभाल रहे हैं। और ये देखिए भाई, क्या गजब गजब की जो मूर्तियाँ हैं वो चीज़ रेडी की गई है। फिलहाल अभी तो तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि 7 सितंबर को यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं गणेश जी का वो चीज़ रखाने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन लगातार अभी करते ही जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, मूर्ति की क्वालिटी ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और देखिए आप, ये दादाजी काम कर रहे हैं इधर पर, और बहुत सारा प्रिपरेशन वगैरह बचा ही हुआ है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ का जो लोकेशन है और यहाँ का जो नंबर है वो चीज़ मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ का जो सिनेमेटिक शॉट है वो चीज़ मैं आप लेता हूँ, और वो चीज़ देखने को मिलेगा आपको या तो शुरू में या तो फिर लास्ट में, ठीक है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो छोटा सा ब्लॉग है आपको देखकर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी जो मूर्तियाँ वो पसंद करें और अपने गांव लेकर जाएं। क्योंकि यहाँ पे ना भाई मूर्तियाँ ऐसी जल्दी से जल्दी बिक जाता है ना, वो चीज़ मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत जल्दी यहाँ पे बुकिंग हुआ करता है। तो आप आ जाइएगा, है ना, और मिलते हैं आपको जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।